हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल दी एग्जाम हेल्पर। जैसा कि आपको पता है कि आपका EMRS का एग्जाम जो है नेक्स्ट मंथ होने जा रहा है, उसके लिए मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा था। और मैं आपको क्या करवा रहा था, केंद्रीय विद्यालय के जो अभी लेटेस्ट 2023 में जो एग्जाम हुआ था JSA का, उसके मैं आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा रहा था। जैसा कि आपको पता है, मैं दोस्तों आपको एक बात बताऊं, जो CBSE है उसने ही केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम कंडक्ट करवाया था, और जो आपका EMRS एग्जाम है वो भी CBSE कंडक्ट करवा रही है। तो जहां तक हमें उम्मीद है, आपके जिस टाइप के क्वेश्चन केंद्रीय विद्यालय में आए थे उसी टाइप का मैथ का पेपर, जीके का पेपर सेम का सेम लगभग मुझे लग रहा है कि आएगा। माई सेल्फ नितेश कुमार मेघानी, मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। और देखिए, पहला सेट मैंने आपको करवा दिया था मैथ्स का, पहला पेपर जो कि मार्च एक शिफ्ट का था वो मैंने आपको सॉल्व करा दिया। जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है, जाकर के हमारे द एग्जाम हेल्पर चैनल में देखें और विजिट करें, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर का सेट राहुल सर ने कराया था। आप राहुल सर को जानते ही होंगे, बहुत ही शानदार क्लास लेकर के आते हैं। मतलब 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार व्यूज में जा रही है इनकी वीडियोज, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वाकई बच्चे पसंद करते हैं, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर की क्लास आपको पता है, ये वाली जो कंप्यूटर की क्लासेस वगैरह है ना, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जितने भी आपके मॉक वगैरह के जो वीडियोस हैं वो आपको मिलेंगे दी एग्जाम हेल्पर पर। और जो आपकी क्लासेस जो भोकाल सीरीज चल रही है वो मिलेगी आपको हमारे दूसरे चैनल पर, द एग्जाम हेल्पर GK पर। क्योंकि घिचपिच हो रहा था तो हमने प्लेलिस्ट बना करके उसे क्लासेस को प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। ये सर ने सॉल्व करवा दिया था GK का भी, ठीक है ना। 2019 का NVS का पेपर है, तो NVS हो जाए, KVS हो जाए, EMRS हो जाए, ये सेम पैटर्न पर होते हैं, इसलिए सारा सब कुछ इन्हीं के अकॉर्डिंग आने वाला है। कंप्यूटर क्लास 4 भी आप देख लीजिए, EMRS के लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है, सर ने प्रिडिक्ट किया था, वो वीडियो भी आप जाकर के देख सकते हैं। हमारी सारी की सारी प्लेलिस्ट है कंप्यूटर की क्लास की। मैथ्स में आपको पढ़ाता हूँ नितेश, और मैथ्स में आपको मैंने परसेंटेज कंप्लीट करा दिया, मैथ्स में आपको मैंने रेशो कंप्लीट करा दिया, मैथ्स में मैंने आपको टाइम एंड वर्क कंप्लीट करा दिया, मैथ्स में मैंने आपको एवरेज करा दिया और एज करा दिया। बहुत से लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत कमेंट करते हैं, जाकर के एक बार विजिट करिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टाइप मैंने कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब बिना किसी देरी पर हम अपने पेपर के ऊपर, जहाँ पर मैं आपको पेपर सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। देखिए, ये है हमारा KVS JSA का असिस्टेंट का पेपर, JSA का 1 मार्च सेकंड शिफ्ट का। फटाफट से जल्दी से करेंगे अपन इसको सॉल्व, सेकंड शिफ्ट का पेपर है, और मैं आपको जल्दी से जल्दी मैथ्स के 20 क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। कोई भी स्पीड के लिए ना बोले, ठीक है ना, कि इतनी तेज क्यों करवा रहे हो। चलो जल्दी से चलते हैं अपन हमारे मैथ्स वाले सेक्शन के ऊपर। मैथ्स वाला सेक्शन आएगा 101 नंबर वाला क्वेश्चन, ये रहा 101 नंबर का पहला क्वेश्चन हमारे पास, ये रहा। जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फटाफट से मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए, 3 × 4 ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन का कल भी क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था कैसे 3 × 4 = 13। एक मिनट, ब्लैक पेन ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये 13 × 3 माइनस, फिर उसके बाद 6 × 12 और एक 17 × 6 प्लस, प्लस करेंगे अपन 4 × 1 × 3 कितना आएगा, 7/4। ये डिवाइड में पलट करके करेंगे तो मल्टीप्लाई में बन जाएगा। सिर्फ ये प्रैक्टिस चल रहा है यहाँ पे, मैं कुछ भी नहीं समझा रहा हूँ आपको, कुछ भी नहीं, समझने समझाने का तरीका खत्म हुआ। यहाँ पर अपन इसको अगर बेस बराबर कर लेंगे तो ये 26 / 6, 17/6 प्लस 2, वापिस इसको अगर अपन 1 है तो 6 बना लेंगे, सबका बेस बराबर कर लेंगे अपन, ठीक है ना, जिससे कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। तो 26 − 17 प्लस 12/6, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे 38 − 21/6, 21/6 सॉल्व करेंगे तो 3 / 6, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन आंसर आएगा। जल्दी से, ठीक है ना, अभी कुछ भी नहीं करना अपने को, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा लेकर के बैठ जाएंगे, नहीं, फटाफट से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, जब ये वाला क्वेश्चन है, जब 1344, 2196, 3687 को एक दो संख्याओं से x से भाग किया जाता है तो प्रत्येक दशा में शेषफल y रहता है, x माइनस वाई। अब
वही मैंने बोला था ना, हर शिफ्ट के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसको आप करोगे स्किप। मैं अभी करवा दूं, पर ये क्वेश्चन कम से कम नहीं नहीं करके 3 से 4 मिनट का सॉल्यूशन है इसका, अगर आप इसको बेसिक से करते हो तो। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना। वापस कंडीशन में क्या बताऊंगा, कल वाले की तरह इसको सॉल्व करके मेरे को टेलीग्राम पे, अभी तक किसी का आया ही नहीं टेलीग्राम पे सॉल्यूशन, कल वाले का भी मैं डाल दूंगा और इसका भी मैं ही डाल दूंगा, तो आपको परेशान होने की नीड नहीं है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन करूंगा मैं स्किप। थर्ड क्वेश्चन देखो, 103 नंबर क्या कह रहा है। 103 नंबर बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का आसान है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, आप बोलोगे सर 0.0 पॉइंट कितना आएगा, 3 आएगा, प्लस इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो इसको तोड़ लो 4 और 2, इसको यहां से मल्टीप्लाई करोगे 256 मल्टीप्लाई बाय 4, अगर अंडर रूट लोगे तो 4 का रूट आएगा 2, 256 का 16, प्लस अपन करेंगे कितना, इसका आएगा 0.7, 0.7 और 3 मिलकर के बना लेंगे 1, 1 + 32 = 33, आंसर खत्म। बस इतना ही टाइम लगना है। मैं सिर्फ यहाँ पर बताने आया हूँ कि इस तरीके का पेपर होता है। थ्योरी क्लास में खूब पढ़ रखा है, आराम से पढ़ लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा टारगेट है 30 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन आपको समझा करके उड़ा देना। अब देखो, कल सेम टाइप का क्वेश्चन आया था, यदि 9 अंकीय संख्याओं का ये है और इसमें अपने को 88 से डिवाइड करना है, बताओ अब जल्दी से 88 को क्या लिख सकते हैं, 8 और 11, इनमें से बोला है कि कौन सा सत्य नहीं है, एक्स और वाई का मान पूछा है। क्या एक बात बताओ, वाई का मान निकालना ज्यादा आसान है? आप बोलोगे हाँ सर, अगर ये अगर ये वाई जो है यहाँ पर अपने को ऐसा मान रखना पड़ेगा जिससे वो 8 से डिवाइड हो जाए, बस खत्म। क्या एक का मान रखने पे ये डिवाइड हो जाएगा? आप बोलोगे सर डिवाइड हो जाएगा। क्या 9 का मान रखने पे ये डिवाइड हो जाएगा? आप बोलोगे सर हो जाएगा। क्या 8 वाई का मान रखने पे ये सॉल्व होगा? बोलोगे नहीं होगा सर, यही आंसर है, काम खत्म। चलो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ठीक है ना, उड़ा दिया उड़ा दिया, ठीक है ना, ऐसा ही स्पीड होनी चाहिए पेपर के अंदर, ठीक है। चलो अब देखो, कल एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया था, आपने बोला था सर, आपने बोला था कि ये क्वेश्चन लेंथी है, बट बेटा क्वेश्चंस की टाइप अलग अलग रहती है। वहां पर मैंने बोला था कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो उसको पूरा 2 आइडेंटिटी लगा करके सॉल्व करना पड़ेगा, बट बेटा ये जो है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ध्यान रखना हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर इसके ऊपर फोकस किया जाता है। ये जो वैल्यू है ये 2ab के बराबर होगी, 2ab के बराबर 6 अनुपात 6 6 7 रूट, ठीक है ना, √7, ठीक है ना। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ab 3 अनुपात 7। अब बताओ मेरे को फटाफट जल्दी से बेटा, ये किसकी वैल्यू है, a किसकी वैल्यू, a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई कितनी, 7, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको इसका अंडर रूट लेना है, सही बात है ना। अगर इसको सॉल्व, ये क्या है बेटा पता है, अगर आप इसे बनाओगे ना तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। करके देख लेना, आपने इस टाइप के क्वेश्चन कर रखे होंगे, मैं भी आपको करवाऊंगा भोकाल सीरीज के अंदर, ठीक है ना। जब अपन इसको हटाएंगे तो यहाँ से रूट हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। तो आप बोलोगे हाँ सर, ए प्लस बी आपको एक बार करना है, इसको वापस रूट हटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस बी। बस इतना सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आई थी, आप बोलोगे सर 3 आई थी, b की वैल्यू कितनी आई थी, √7 आई थी, पर यहाँ पे तो पॉइंट्स में है, तो बेटा √7 की वैल्यू, ऐसी छोटी छोटी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। √2 को अपन क्या कहते हैं, 1.414, √3 को क्या कहते हैं अपन, √3 को कहते हैं 1.792, इसी तरीके से इसको अपन लगभग कहते हैं 2.65, ऐसी ही आपको वैल्यू याद रहनी चाहिए। अब एक बात बताओ, 3 + अपन 2.65 करेंगे तो 5.65, क्या आप बोलोगे क्लियर है, बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर है। और इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू वापस निकालोगे 3 - 2.65, तो आप बोलोगे कितनी आएगी, 0.35। जब अपन इन दोनों को लेस करेंगे तो 0.35 यहाँ से लेस हुआ, यहाँ से 0, यहाँ से हमारे पास 3 और 5.6, खत्म आंसर। सारे क्वेश्चन एक टाइप के नहीं होते, ठीक है ना, ध्यान रखना। इजी इजी क्वेश्चन भी होते हैं, ये इस टाइप का इजी क्वेश्चन है। मैं करवाऊंगा, जब मैं सिंप्लीफिकेशन कराऊंगा मैं सब करवा दूंगा, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, क्या भोकाल सीरीज के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन कराया था? आप बोलोगे सर बिल्कुल कराया था, बिल्कुल कराया था। तो यार थोड़ा इनको भी बताओ जो भोकाल सीरीज में नहीं है, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। याद करो मेरी बात, मैंने बोला था कि जब भी ऐसे वृद्धि वाला क्वेश्चन है आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितनी होती है, 1/5, 4 से जो वैल्यू हो गई वो 5 हो गई अनुपात लेकर के।
30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 10 से लेकर के वो हो गई 3 खत्म। 40% माइनस हो गया, इसका मतलब वो 5 से 3 हो गया। क्या मैंने ये बताया था? और मैंने ये भी बताया था कि ये आमने सामने भी कट जाते हैं, ठीक है ना। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे आएगा 40, ये है 39, कमी कितने की हुई, 1 की, 1 की कमी हुई 40 के ऊपर, खत्म। 2.5% की कमी। ऐसे उड़ाएंगे हम क्वेश्चन। भोकाल सीवी वालों को बहुत मजा आ रहा होगा जो ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्योंकि सेम के सेम क्वेश्चन मैंने परसेंटेज के अंदर करा रखे हैं, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। क्या ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा रखा है? डिट्टो सेम क्वेश्चन मैंने एक बार दो क्वेश्चन इस टाइप के लिए थे। डिट्टो यार डिट्टो, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ जल्दी से। आप बोलोगे सर कितना, 1/4, ठीक है ना। तो सुरभि की जो आय है वो कविता से 25% ज्यादा है। तो अगर सुरभि की 4 है, कविता की 4 है, तो सुरभि की 5 है, ठीक है ना। ये तो अपने पास आय का रेशो आ गया। फिर उसके बाद अपने को व्यय का रेशो देखना है। व्यय कितना है, 33 सही 1/3, 1/3 की वैल्यू 1/3, ठीक है। तो अगर सुरभि का व्यय कविता से ज्यादा है, कविता का 3 है तो सुरभि का 4 है, बस खत्म। अपने पास रेशो निकालना था, अपने पास 5:4 और ये हमारे पास 3:4, ठीक है, आ गया। ओ सॉरी 4:3 है ना, 4:3 आया था ना। अब बस मैं क्या बोलूंगा आपको, एक काम करो, इसको बेसिक से ही कर लो फटाफट से। तो आप बोलोगे सर मैंने है ना इसको मान लिया x, बताओ याद करो मैंने भोकाल सीरीज के अंदर बता रखा है 4x + 8950 / 3x + 9000 = 5/4। क्या ये मैंने करवा रखा है? इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, जो कि कितना आएगा, लगभग शायद 4500 आएगा, देख लेना एक बार, है ना, सॉल्व करके। मैं यहाँ पर आपको पैटर्न बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है, सॉल्व आप खुद कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। कविता की आय पूछी है इसके अंदर, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, मजा आ रहा होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन करा रखा भोकाल सीरीज के अंदर, ठीक है ना, इजी इजी क्वेश्चन है। चलो उड़ा दो, आर उड़ा दो, उड़ा दो जल्दी से, उड़ा दो। देखो नया क्वेश्चन क्या आया है अपने पास, नया क्वेश्चन ये आया है, बोल रहा है यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब एक बात बताओ, 18 का सीपी जो है बराबर कितने के है, 15 सीपी के, 15 एसपी के, ठीक है ना। याद करो मैंने ये वाली चीज आपको बता रखी है रेशो के अंदर, सीपी और एसपी। अगर अपन इसको यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं तो 15/18, क्या ये सामने के सामने इसकी बराबर वैल्यू? आप बोलोगे सर इसको और काट दूं, मैं काट देता हूँ 3 से काटूंगा मैं 5 बार, 3 से काटूंगा 6 बार। हमारे को 1 का लाभ हुआ है कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, आपका 20% लाभ आ गया। बस उड़ाना है, ठीक है ना। ये वाला मैंने चैप्टर कराया नहीं है, पर ये वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है, अच्छे से करना अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया हो तो। चलो नया क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जो कि है हमारा 109 नंबर। किसी व्यापारी ने 2 वस्तुओं को 1560 में खरीदा, बोला कि एक को अपन ने 20% हानि पर बेचा, दूसरी को अपन ने 15% लाभ पे बेचा। सिंपल खत्म कर देंगे क्वेश्चन। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बोलो जल्दी से, 1/5। 5 की चीज अपन अगर नुकसान में बेच रहे हैं तो 5 की चीज अपन ने 4 में बेची। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आप बोलोगे सर 3/20, ठीक है ना, 3/20 की वैल्यू अपन ने 20 की चीज जो है 30 में बेची। अब एक बात बताओ, इसने अगली लाइन बोली है कि विक्रय मूल्य समान है, तो क्या विक्रय मूल्य समान है? आप बोलोगे नहीं है सर, कर दो, विक्रय मूल्य समान कर दिया। 23 × 5 = 115, 23 × 4 = 92, 92 यहाँ पर आ जाएगा, 92 = 80, ठीक है ना, खत्म। अब देखो यहाँ पर ये समान हो गया, इसका मतलब ये जो पहली वस्तु है वो 115 रुपए की है, मतलब एज अ रेशो में 115 यूनिट के बराबर है, और ये जो है 18 यूनिट के बराबर, 80 यूनिट के बराबर है। दोनों को ऐड किया, आप बोलोगे कितना आएगा, 5 और 195, 195 की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 1560 के बराबर। आप सॉल्व करो, 195 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई, आपको क्या बोला है, कितना बोला है, 20% हानि वाली, 20% हानि वाली, क्या यही थी क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर, 115 से इसे सॉल्व करो, काटो सबसे पहले कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 23, यहाँ पे आएगा 5 से 3 बार 39, ठीक है ना। 39 को इससे सॉल्व कर लो, 39 को इससे सॉल्व करोगे तो लगभग कितना आएगा, 13 से मल्टीप्लाई कर दो ना, हाँ 112 से सॉल्व हो जाएगा, 120, 3, 4, 4 करोगे, 4 × 23, 920 आंसर, खत्म। चलो जल्दी से जल्दी उड़ाएंगे अपन क्वेश्चनों को, ज्यादा नहीं, ठीक है ना, यहाँ पर रिपीट वगैरह नहीं चलता। अगर थ्योरी देखनी है भोकाल सीरीज के अंदर आओ, बहुत बार बता रखा है।
110 नंबर क्वेश्चन, 110 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, किसी घोल में ए और बी में अम्ल और पानी के अनुपात क्रमशः 1:2 है, 2:3 है, ठीक है ना, ये है ए और बी के अंदर। ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि परिणामी जो अम्ल और पानी है वो 13:12 हो जाए। क्या ये एलिगेशन का क्वेश्चन है? आप बोलोगे सर एलिगेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिनको आता होगा भाई उनके लिए प्रैक्टिस चल रही है। मैं बताऊंगा थोड़ी इसके अंदर, नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है ना, बताऊंगा तो मैं भोकाल सीरीज के अंदर, ठीक है ना। तो आप किसी को भी ले लो, अम्ल को ले लो, मेरे को लगा कि अम्ल को लेना चाहिए, तो एक बार मैंने 1/3 ले लिया, दूसरी बार मैंने 2/5 ले लिया। आपको पता है मिड वैल्यू कौन सी आएगी? अम्ल की 13/35, खत्म। अब मैंने क्या बोला है, देखो इनको बराबर कर लिया करो। इनको बराबर कैसे करेंगे? इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। आपको बोलेंगे इसका एलसीएम जो होगा सर 105 आएगा, तीनों को 105 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो इसको 3 से किया तो ये आया 35, इसको 5 से किया तो ये आया 21:42, और इसको 35 से किया तो 3, ये आ गया 39। आपने इसको यहाँ से माइनस करते हैं, सबको पता होगा, ठीक है ना। मैं सिर्फ प्रैक्टिस सॉल्व करा रहा हूँ, जिसको आता है वो सॉल्व करे, जिसको नहीं आता है थोड़ा रो ले, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। ठीक है, यहाँ पर आ गया ये 3, यहाँ पर आ गया 4, 3:4 इसका आंसर आ गया, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस को जांच रहे हो, मॉक के अंदर मैं पेपर एट प्रेजेंट सॉल्व कर रहा हूँ। क्या मैंने भोकाल सीरीज वालों फटाफट बता दो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया है? बताओ जल्दी से बता दो, एक बार बता दो, क्या सेम का सेम क्वेश्चन सॉल्व कराया? आप बोलोगे सर करवाया है। कैसे सॉल्व करवाया था मैंने, याद करो। इसने बोला सेम का सेम डिट्टो क्वेश्चन, ठीक है ना। एक थैले में, वहां पर सिक्के थे, यहाँ पे नोट है, एक थैले में 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए के नोटों की संख्या 2:3:5 है। यदि इन सभी नोटों का कुल मूल्य 4350 रुपए हो जाए तो बताइए 10 रुपए के नोट कितने होंगे। मैंने बताया था अगर कभी नोटों की संख्या दे रखी हो या सिक्कों का हो तो उसको एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर दो। ये रुपए है ना, रुपए में कन्वर्ट करो रेशो को। आप बोलोगे सर 5 रुपए के 2 सिक्के हैं तो नोट है तो रुपया हो गया 10 रुपया। इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, इसको भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो 50 का 250, टोटल हमारे पास कितना पैसा आया? आप बोलोगे सर 290 रुपए आया। 290 रुपए तो सर यहाँ पर दे रखा है, 290 की वैल्यू 1300 4350 के बराबर, यहाँ से ये कटा तो यहाँ पर ये एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 435 से 2 29 को डिवाइड करेंगे, 29 * 29 = 15। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 15। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 15। अब देखो एक यूनिट की अगर वैल्यू 15 आई, पूछा गया 10 रुपए वाले नोट, 10 रुपए के वैल्यू कितनी थी? 30 * 15। क्या 450 रुपए है क्या 10 रुपए के? आप बोलोगे सर 450 रुपए हैं जो 10 रुपए वाले नोट हैं। अब अगर नोटों को अपने को वापस कन्वर्ट करना है, मतलब रुपए को अगर वापस नोटों में कन्वर्ट करना है, वापस 10 का डिवाइड कर दो, जो 10 से मल्टीप्लाई किया था उसको 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड किया 45 नोट है, खत्म। सेम क्वेश्चन करा रखा है, जाकर के भोकाल सीरीज देख लेना, नहीं देखो तो तुम्हारा नुकसान है, कोई दिक्कत नहीं। हम जॉब लगे पड़े हैं, आज सैलरी भी आई है, स्लिप नहीं है, स्लिप कल जनरेट हो जाएगी, कल स्लिप भी लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है ना। देख लेना कितनी सैलरी आती है, ठीक है ना, सरकारी नौकरी ले लो, बन जाओगे कुछ, जैसे तुम्हारे को सही लगे, ठीक है ना। चलो 34 संख्याओं का औसत 64.5 है, पहली 18 संख्याएं 60.5 है इनका औसत, अगली 18 संख्याओं का औसत 68 है। यदि आरंभ में 17वीं संख्या 18वीं संख्या को छोड़ दी जाए तो बचाइए शेष। क्या सेम का सेम क्वेश्चन करा रखा है? प्लीज हाथ जोड़ करके विनती है, अगर भोकाल सीरीज का कोई स्टूडेंट है इसको फटाफट से सॉल्व कर दें। मैं इसको सॉल्व करके नहीं बता रहा क्योंकि मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन भोकाल सीरीज के अंदर करवा रखा है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो इसको सॉल्व करके तुम बता देना। चलो मैं तुमको बेसिक बता देता हूँ, सॉल्व खुद कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है ना। इसका टोटल आएगा, आप बोलोगे सर इसका टोटल आएगा 18 * 60.5, इसका टोटल आएगा, आप बोलोगे सर ये 18 संख्याओं का टोटल आएगा। फिर उसके बाद बताओ, फिर उसके बाद आप मुझे बोलोगे 18 संख्याओं का सर 68 का टोटल कितना आएगा? टोटल आएगा आपका ये 18 संख्याओं का टोटल आएगा, 34 संख्याएं यहाँ पर है और ये दोनों मिलाकर के 36 हो गई। जब 36 संख्याओं में माइनस करोगे इन दोनों टोटल को तो आपके पास 2 संख्याओं का टोटल आएगा, और वही 2 संख्याओं का टोटल जो होगा उसको डिवाइड कर देना 2 से, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं सॉल्व नहीं करा रहा क्योंकि मैंने सेम का सेम टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है, ठीक है ना। जिनको नहीं आता वो रोलो, मैं तो बोल ही रहा हूँ भाई साहब, आपको मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है ना, ये प्रैक्टिस के लिए ओनली, इसमें कोई उम्मीद नहीं करे। अब देखो तुम कंटेंट कंटेंट कहते हो ना, देख लो जाकर के, ठीक है, जाकर के सीरीज को देखना, सेम टाइप का क्वेश्चन करा रखा है मैंने, जाकर के देखो एक बार,
तुम्हें पता लग जाएगा कंटेंट की वैल्यू क्या होती है। जो तुम सोच रहे हो ना कि सर कंटेंट कंटेंट कंटेंट, कुछ नहीं, अपने आगे नहीं है, देख लो। अभी सॉल्व करके बताता हूँ, बेसिक से सॉल्व करके बताना मेरे को इसको। मैंने डायरेक्ट आपको बताई थी एक बात भौकाल सीरीज के अंदर, टोटल टोटल इन सॉरी चेंज इन टोटल फॉर्मूला बताया था आपको, चेंज इन टोटल डिवाइडेड बाय चेंज इन एवरेज। याद है कुछ? याद आया कुछ? आप बोलोगे सर याद आया, आपने कराया था, है ना। बस चेंज देख लो, चेंज देख लो कितना है। सबसे पहले 78.5 से इसका चेंज देखो। आप बोलोगे सॉल्व करेंगे सर हम, माइनस करेंगे 75.4, 1 और 3 31 आ गया। 31 मल्टीप्लाई बाय 5, भाई ये एक सदस्य का है, एवरेज के लिए टोटल करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे 15.5, एक तो ये चेंज आ गया सर, और दूसरा चेंज प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ प्लस प्लस करना है चेंज देखने के लिए। 81, इसको अगर माइनस करेंगे तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 बंदों के लिए टोटल लगाना पड़ेगा ना, करोगे तो 2.25, 2.25 आएगा क्या? सही है, आप बोलोगे सर सही है। 2.25 में जोड़ा, अंतर कितना आया? 950 ग्राम का। ग्राम को अपन किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ऊपर किलोग्राम चल रहा है, 1000 डिवाइड कर देंगे। चलो सॉल्व करो फटाफट, कितना आया ये 17, 15.5 प्लस 2.25, बताओ कितना आएगा? 5, 7, 17, 17.75 डिवाइडेड बाय 95, 950 मल्टीप्लाई बाय 1000, 10 से 10 कटा, यहाँ से 19 बार, 19 को काटेंगे अपन कितनी बार? 20 बार। इसको अगर अपन 0 से वो कर दें तो 100 यहाँ पर आ जाएगा, 100 से 5 बार, ठीक है ना, 100 से 5 बार। 1775 को 95 से डिवाइड करोगे आप, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? ओ ये 22.5 आएगा यार, ये 22.5 आएगा। वापस सॉल्व करो थोड़ा सा, है ना, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, हम टीचर हैं, ठीक है ना। तो 22.5, ये 22.5 आएगा। 22.5 प्लस 70, 22.5 अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना आया था? 1, 15.5। दोनों को सॉल्व करोगे कितना आएगा? 22.5, यहाँ पर 15.5 ही आता। नहीं यार, कभी कभार कैलकुलेशन खराब हो जाए, दिमाग खराब हो जाता है। 23 और 5, 38, ठीक है ना। 38 डिवाइडेड बाय 950 मल्टीप्लाई बाय 1000, इसको अपन डिवाइड करेंगे ये 19 बार, ये हमारा जाएगा 20 बार, 19 से 2 बार, 40 आंसर। रट करके नहीं आता मैं, अगर रट करके आऊँ तो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है ना, पर मैं भी कैलकुलेशन कभी कभार मिस्टेक कर देता हूँ, ठीक है ना। तो 40 अपना आंसर आ गया। डायरेक्ट मैंने बताया था, जब भी आपको क्लब सदस्यों की संख्या चाहिए डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देना आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, अगर मैं होता ना तो इस क्वेश्चन को एंड में अटेम्प्ट करता, क्योंकि इसमें है कैलकुलेशन। मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ, आप घर पे बैठ करके सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो बच्चा, इन दोनों, ये बोला गया है कि कोई राशि समान वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज पर 4.5 साल के लिए इतनी हो जाती है, 6 वर्ष इतनी हो जाती है। अब एक बात बताओ, ये अगर साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज में क्या होता है? हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जब ये माइनस करेंगे, 14, 6 हमारे पास आया, 5, 5 का 1 आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे सॉल्व किया तो 5, 5 आ गया, 516। 516 क्या 1.5 साल का ब्याज है? आप बोलोगे सर 1.5 साल का ब्याज है। यहां से आपको 1 साल का ब्याज निकालना है। इसको सॉल्व करो कितना आएगा आपके पास? एक तो आपने 3 बार सॉल्व कर लिया, 45, 6, 6 वापिस करोगे 6 तो 4 बार, 66, 6, 4 बार, 344 1 साल का ब्याज आया। आपको 344 को मल्टीप्लाई करना है 4.5 से, ये 4.5 साल का ब्याज आ जाएगा। फिर जो ब्याज आएगा उस ब्याज को आप इससे माइनस करना, 5, 8, 4, 8, ठीक है ना, फिर माइनस करना। अगर इसको माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा मूलधन, और उस मूलधन को 344 में डिवाइड करना, मूलधन मल्टीप्लाई करना 100 आंसर। जिसको नहीं आता ना उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, और मैं समझाने के लिए हूं भी नहीं यहाँ पर, मैं सिर्फ आपको सॉल्व करवाने के लिए हूँ आज यहाँ पर, कि क्वेश्चन किस टाइप का आया था पेपर बता देना। अगर सॉल्व करवाने के लिए आता तरीके से, एक क्वेश्चन के ऊपर 5 मिनट का टाइम लगाता, तो सोचो तुम 5 मिनट मल्टीप्लाई बाय 20 कितना टाइम चाहिए? 100 मिनट। 30 मिनट में वीडियो खत्म करनी है मेरे को, ठीक है। चलें आगे, आगे चलते हैं, सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो अब देखो, जो डायरेक्ट होने वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूं ना, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, तो मैं बता रहा हूं। देखो
16,000 की धनराशि 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज, बताइए, जबकि वार्षिक संयोजित हो जाता है, सॉरी, सोचो 3 वर्ष के लिए 5% की इफेक्टिव रेट क्या होती है। जिसने ये चैप्टर पढ़ रखा है इफेक्टिव रेट पता होगी उसको, पता होगी पक्का, कितनी होती है जरा बचा दो लड़को, 5.76 होती है। आप बोलोगे सर 5.7625 होती है, मैं बोल रहा हूँ यार छोड़ो इसको, तो कोई बात नहीं, सिर्फ इसको सॉल्व कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो 16,000 को 15.76 से डिवाइड करना है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 100, इससे यहां से ये काट दिया, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई, सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना, आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा आपके पास, 2400 आएगा, ठीक है ना, इतना क्लियर। अब 2400 के बाद, अच्छा कैलकुलेशन बहुत पास पास है तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बच्चा इसके अंदर, चलो कोई बात नहीं सॉल्व कर लेना, 15.76 इसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे, टाइम नहीं लगेगा, 16 से 6 56, 16 से 96, ठीक है ना, 16 से 96, 9 16 से 112, 112 और 9, 112 और 9 121, 121 का 1 12, 16 पंजी 80 और 12 92, 9 16 की 25, 2516 पॉइंट का आंसर है, ठीक है ना, ध्यान रखना ऑप्शन जो है वो पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, पास के पास है तो ऑप्शन में ये आंसर आएगा, पूरा सॉल्व करोगे ना जब 2.5 लगा करके तो पूरी कैलकुलेशन होएगी, और कोई तरीका नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। अगर तुमको और कोई तरीका सीखना है तो डायरेक्ट एक और तरीका सीख सकते हो, 16,000 का अगर ट्री मेथड निकाले, 16,000 का 5% बताओ कितना होता है, आप बोलोगे सर 800 800 800, ये यहाँ पर सरल पड़ेगा इसका, फिर उसके बाद करोगे तो 40 40 और 40, 800 का 5%, भाई नहीं समझ में आ रहा होगा साइकिल, मैं बता रहा हूँ ना, जिसको नहीं आएगा नहीं आएगा, खत्म बात। यहाँ पे इसको टोटल करेंगे 2400, इसको करेंगे 120 और फिर उसके बाद 2 2522, इसका आंसर आ गया, काम खत्म। जिसने पढ़ रखा है उसको समझ में आएगा, जिसने नहीं पढ़ रखा, मैं सिर्फ यहाँ पर प्रैक्टिस कराने आया हूँ, पेपर को बताने आया हूँ कि कैसा पेपर होता है, ठीक है ना। चलो आगे चलो, क्वेश्चन अगला वाला 117 नंबर, 117 नंबर के आपके पास, ठीक है सॉल्व करा देता हूँ, सेम का सेम क्वेश्चन करा रखा है, कुछ तो करो यार, डायरेक्ट बता रखा है ये, जब दोनों मिलकर के काम करेंगे दोनों को जोड़ देना, काम खत्म। 5, ठीक है, और सॉरी 2 5 3 6 6 दिन आंसर खत्म। अब नहीं आता तो फिर उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैंने अपनी तरफ से भोकाल सीरीज के अंदर ऐसे 3 3 4 4 क्वेश्चन करा रखे हैं सेम के सेम, ये लो क्वेश्चन देखो तुम भोकाल सीरीज से, 50% अभी तक तो मैंने पूरा सिलेबस कराया नहीं, 50% तो सेम के सेम शीट में से उठे हुए क्वेश्चन है। अरे कुछ तो ध्यान रखो यार, एक टॉपिक के अंदर 15 15 घंटे लेक्चर के जो मैंने समराइज करके 2 2 घंटे में करा रखे हैं, उनको देखने में भी तुम्हारे को इतनी प्रॉब्लम होती है, कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो, तुम्हारे व्यूज नहीं आते तुम्हारे यार, पता नहीं तुमको नहीं है नीड तो बोल दो मेरे को, बंद कर देंगे क्लासेस, किसका माथा खराब हुआ है, मजाक कर अच्छे से पढ़ लो ना बेटा, मुझे इसलिए परेशानी होती है, जो आ रखा है वो भी तुम नहीं करते हो। 108 इसका एलसीएम हो जाएगा, मैंने बताया था, ये टंकी वाला क्वेश्चन है, बात एक ही है, आप इसको काम से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, 8 से 6 बार, ये 27 से 5 बार 4 बार, ठीक है, वैसे इसका डायरेक्ट 54 भी एलसीएम हो सकता है, ठीक है ना, तो मैं 54 लेकर के ही बता देता हूँ डायरेक्ट, 18 27 54, यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे 3 बार, ये 2 बार, बारी बारी से कॉन्सेप्ट बोला है तो मैंने बताया था, एकांतर के अंदर आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो सबसे पहले काम कौन कर रहा है, तो बच्चा सबसे पहले काम इसके अंदर कौन कर रहा है, बी काम कर रहा है, तो पहले बी आएगा फिर उसके बाद आएगा, तो 5 काम कर रहे हैं ये 2 दिन के अंदर। अब एक बात बताओ, टंकी पूरी कितने दिनों में भर जाएगी, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे बच्चा बताओ, सबसे पहले क्या करोगे बता दो, 10 बार, सबसे पहले 10 बार कर देना, ठीक है ना, 10 बार करोगे तो कितना आएगा, 10 बार जल्दी बताओ ना, 50, ठीक है ना, यहाँ पर आ गए 20 दिन, तो 20 दिन तो टोटल काम हो गया। अब काम कितना बचा बच्चा बोलो, आप बोलोगे सर 4 काम बचा, 4 काम में अगले दिन कौन आएगा, बी 2 काम करके चला गया, 21 दिन, ठीक है ना, अब 20 से काम खत्म, अब बचा हुआ काम कितना है, 2, आएगा कौन, ए, ठीक है ना, तो ए करेगा 2/3 दिन में और हमारा आंसर आ जाएगा 21 सही 2/3। जिनको नहीं आता मैं क्या करूं यार, यहाँ पर ये समझाने की क्लास नहीं है, ठीक है ना, समझाने की क्लास नहीं है, ये सिर्फ बता रहा हूं मैं कि ऐसा पेपर आएगा आपको, इसको कर लो,
प्रैक्टिस के क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो कर पाए उस समझ पाए उसको समझना, ठीक है ना। मैं समझा देता हूँ इसको थोड़ा बहुत। देखो बोला गया है कि स्थान ए और बी के बीच की दूरी 225 है, किसी कार की चाल जो है बस से 25% ज्यादा है, दोनों कार को और बस को एक ही समय पर वो करते हैं। जिनको ये बात पता चल गई कि एक ही समय का यहाँ पर रोल है, वो फटाफट से मुझे लाइक करके बताओ, ठीक है ना। लाइक करके बताओ, 25% जो अधिक है, इसका मतलब 4 से 5 हो गई स्पीड। अब अगर स्पीड 4 से 5 हो गई तो बताओ यहाँ पर रेशो, अगर यहाँ पर दूरी बराबर है, दूरी बराबर है ना यहाँ पर, जब भी दूरी बराबर होती है तो हमेशा जो समय है वो किसका, स्पीड का रेशो जो है वो समय का उल्टा होगा, और समय का जो रेशो है वो स्पीड का उल्टा होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर, ये हमारे पास समय है। दोनों जब एक ही टाइम पर पहुंची है, दोनों जब एक ही टाइम पर पहुंची है, और कार कितना रुकती है, कार रुकती कितना है, 45, बोलो जल्दी से। तो भाई साहब 45 मिनट जो है ना वो इन दोनों का गैप आ जाएगा, और इन दोनों का गैप कितना आएगा, 45 मिनट। 45 मिनट अगर एक गैप आया है, तो अगर मैं बोलूं किसकी चाल पूछी है, बस की चाल, तो बस की चाल यहां से निकलेगी। तो बस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 5। आप बोलोगे सर बस को इतना टाइम लगेगा, मैंने बोला अच्छा आपको पता लग गया, तो बोले सर 225 मिनट लगेंगे बस को, ये गारंटी है, मैं आपको लिख करके देता हूँ। मैंने बोला हाँ यार आपने तो सही बात बता दी मुझे, तो अब सॉल्व कर लो इसको। 225 किलोमीटर चलना है, बस चलेगी 225 मिनट में, ठीक है ना। मिनट को अगर आवर्स में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 60 पलट करके ऊपर जाएगा, ठीक है ना। कितना होगा, 225 से 225 कट गया, 60 आंसर आ गया, 60 किलोमीटर खत्म। नहीं आएगा, जिसको नहीं आएगा वो नहीं आएगा, और मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करवा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ना आपके पास पेपर में इतना टाइम है कि इसको बेसिक से सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1200 किलोमीटर की एक यात्रा है, रेलगाड़ी एक्स से चलती है, रेलगाड़ी वाई से 6 घंटे कम लेती है, यदि वाई की चाल एक्स की चाल से 10 किलोमीटर कम है तो बताइए वाई की चाल क्या है। अब देखो अगर इसको बेसिक से सॉल्व करना है तो हो जाएगा भाई टाइम। अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट वाई को ऑप्शन से उठाते हैं। डायरेक्ट वाई को अगर ऑप्शन से उठाओगे तो ये वाला ऑप्शन मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर एग्जैक्ट वैल्यू में आना चाहिए। ये वाला 1200 से डिवाइड करोगे ना 3600 को, तो डिवाइड तो हो जाएगा, पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है क्या होगी, आगे सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। तो मैंने एक बार इसको हटा दिया, मैंने सबसे पहले इंटीजर को लिया, मैंने 40 को लिया, 1200 डिवाइडेड बाय 40 कितना आया, 30 आया। अब ये क्या बोल रहा है, वाई की जो स्पीड है वो एक्स से 10 किलोमीटर कम है, इसका मतलब एक्स की ज्यादा है, एक्स की ज्यादा कितना है, 10 किलोमीटर ज्यादा है, तो एक्स कितना है, एक्स से आ जाएगा अपने पास 50, एक्स के रेलगाड़ी की 50 आ जाएगी। 1200 डिवाइड बाय अगर अपन 50 करेंगे तो कितना आएगा, 24। क्या 6 घंटे का अंतर आ रहा है, बोल रहा है सर 6 घंटे का अंतर आ रहा है, तो आपका 40 100% सही है। हो गया सॉल्व पक्का, कोई दिक्कत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल का नाम बताता हूँ, दी एग्जाम हेल्पर, ठीक है ना, इसको सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारे वीडियोज आते हैं। देखो आपको अगर ये लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा है कंटेंट, और बहुत ज्यादा कंटेंट तो आप नहीं कह रहा, बहुत स्पीड तेज है, तो इससे कम स्पीड में आपका सिलेक्शन होना भी नहीं है, सिंपल सीधा सा है। आप सॉल्व करोगे बेसिक से सॉल्व कर, चलो ठीक है आपका 2.5 घंटे का पेपर है, बट बेटा एग्जाम की अप्रोच तो यही करवाऊंगा मैं, 30 मिनट यहाँ पर पढ़ाऊं, मैं लेक्चर भी पढ़ाऊं, टाइम कहाँ है इतना, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर तो ये थी आज की हमारी क्लास, आई होप आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके से मैंने आपको एक मॉक पहले कंप्लीट करा दिया, आज मैंने दूसरा मॉक कंप्लीट करा दिया, तीसरा मॉक केंद्रीय विद्यालय का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो कल आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, दी एग्जाम हेल्पर, दी एग्जाम हेल्पर जीके भी हमारा है, जितनी भी आपको प्लेलिस्ट देखनी है सारी की सारी हमारे पास है। एक तो ये चैनल है हमारा द एग्जाम हेल्पर, जिसमें हम हमारे मॉक प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें मॉक का जो प्रीवियस ईयर पेपर है केंद्रीय विद्यालय का वो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। एक हमारा सारे की सारी अपडेट वाला दी एग्जाम हेल्पर चैनल, और अगर आपको मैथ्स पूरा का पूरा पढ़ना है तो दी एग्जाम हेल्पर जीके में मैंने पूरा का पूरा मैथ्स ऑलमोस्ट कंप्लीट करा रखा है, वीडियोस कंटिन्यू है भोकाल सीरीज के अंदर।
तो आप वहां पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। ये हमारा चैनल का नाम है दी एग्जाम हेल्पर जीके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आशा दिलाता हूँ कि यहाँ से पेपर में 99% चांस है कि क्वेश्चंस उठें, क्योंकि आपकी सेम एजेंसी पहले ही मैं बता चुका हूँ CBSE ने करवाया था केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम, अब की बार EMRS का एग्जाम भी CBSE कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, तो जरूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।